दोस्तों अगर आपका भी एक YouTube चैनल है या फिर आपका भी एक वेबसाइट है, ब्लॉगर है आप, और आप Google AdSense में अपना ID वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन किए हैं, पूरा शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बताने वाले हैं जो कि कैसे आपको अपना ID वेरीफाई करना है, कैसे आपको पैन कार्ड को लगाना है, कैसे आप उसको क्रॉप करना है, ये टोटल जानकारी देना है। अगर आप पैन कार्ड क्रॉपिंग में थोड़ा सा भी दिक्कत करते हैं तो आपका ID वेरिफिकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ऑल इन वन ट्रिक पी के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ पैन कार्ड का सैंपल हम दिखा देते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कुछ इस टाइप का क्रॉपिंग होगा तभी जाके आपका ID वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा। और अगर आप कुछ इस तरह से आप अगर पैन कार्ड को क्रॉपिंग करते हैं तो आपका ID वेरिफिकेशन रिजेक्ट भी हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा बारीकी से समझिए, हम पूरा एक्सप्लेन किए हैं वीडियो में, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों ID वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ये काम आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं या फिर आप अपने डेस्कटॉप में भी, लैपटॉप में भी कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर आइएगा तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से खुल के आएगा। तो आपको अपना यहाँ पर एडसेंस ID को लॉगिन कर लेना है, जो कि चलिए हम यहाँ से क्लिक करके लॉगिन कर लेते हैं। जैसे और मेरा यहाँ पर एडसेंस लॉगिन हो चुका है और मेरे एडसेंस में अभी जीरो बैलेंस दिखाई दे रहा है, जो कि अभी अर्निंग मेरा अपडेट नहीं हुआ है। मेरा अर्निंग अपडेट होगा 10 से 15 तारीख के बीच में, उसके बाद मेरा एडसेंस कुछ इस तरह से खुल जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके आपको क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप साइट में क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस तरह कर लीजिएगा तो कुछ इस तरह से आपका एडसेंस लॉगिन हो जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ऐसे आपका कंप्यूटर PC में भी ऐसा ही लॉगिन होता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक एक्शन का बटन दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक्शन का एक ऑप्शन आ चुका है, आपको सिंपली इस एक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्शन पे क्लिक कीजिए तो आपको एक रीडायरेक्ट करेगा, ये दूसरे पेज पे लेके जाएगा। जैसे आप एक्शन पे क्लिक कीजिए तो आपको लेके चला आएगा यहाँ पर वेरीफाई योर आइडेंटिटी का ऑप्शन एक आ जाएगा और आपको यहाँ पर वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ अपलोड नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस और आपका जो भी एड्रेस लिखा हो, आपका नाम जो भी हो, आपको यहाँ पर शो हो जाएगा पिन कोड के साथ, जो भी आपका पिन कोड हो टोटल चीज यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और दोस्तों आपको ID वेरीफाई के लिए आपको आधार कार्ड मान्य नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ लिखा गया है यहाँ पर आधार कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेड। आपको इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन्हीं 4 कागजातों के साथ आप अपना ID वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको नीचे यहाँ पर क्या करना है, जैसे आप इसको आप अपना एड्रेस चेक कर लीजिएगा, पर एक जरूरी बात हम बता दें, एड्रेस 2 में आप अपने डिस्ट्रिक्ट लिख के उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा। इससे होता यह है कि आपका एड्रेस 2 में जैसे कि आप अंदर मोबाइल नंबर डाले हैं, ये करने से आपको फायदा ये होगा कि आपको इस पर प्रिंट आएगा, जैसे जो भी आपका एड्रेस प्रिंट होगा उसके लास्ट में आपका मोबाइल नंबर भी प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड का एक ऑप्शन आ रहा है, आपको सिंपली इस अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर अपलोड पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर ये परमिशन आएगा आपके ब्राउजर का। उसके बाद आप अपने फाइल से जो भी आप फोटो पैन कार्ड का या फिर जो चीज कर रखे हैं, आप अपना पैन कार्ड यहाँ से ऐड कर ले। हमने यहाँ पर अपना पैन कार्ड अपलोड कर दिया है, जो कि आप देख सकते हो काफी आसानी के साथ यहाँ पर शो भी हो जाएगा आपका पैन कार्ड। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे इधर में आपको लास्ट में सबसे नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली सबमिट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा दिस प्रोसेस में टेक ए फ्यू डे, मतलब ये 5 घंटे, मतलब बहुत ही जल्दी आपका ID वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा भी है कि अगर आपका ID रिजेक्ट होता है तो आपको मेल के माध्यम से ये भी जानकारी दे दिया जाएगा कि आपका ID सबमिट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ, ये आपको मेल पे मतलब मिल जाएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में यही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर दबाइए। और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।